लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट लाइन रहता है उससे बाहर इसके कारण और शायद यहाँ पे बैक टच हुआ है उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा माफी मांगते हुए निश्चित रूप से ये अच्छा परिचय अंपायरिंग का नहीं जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो रिव्यू हो रहे हैं प्रकाश भाई इससे हमारे एम्पायर देख रहे हैं और डिसीजन को वापस भी ले रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं जैसे हमने देखा था रिप्ले में देखा था बैट हल्का सा जो लगा हुआ था स्नेक देखने को मिला था उससे एम्पायर ने अपना डिसीजन वापस लिया और इससे जो है खेल भावना हमें देखने को मिलता है। मैं दर्शकों को मैं स्कोर बता दूं 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 116 रन 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 116 रन मात्र जो विकेट गिरे हैं मात्र 3 विकेटों का पतन हुआ है 10 ओवर पर 116 रन। अब 6 ओवर का खेल शेष है। अर्धशतक वीर विका विशाल इस समय क्रीज पर मौजूद उनका साथ दे रहे हैं। सिवा लगातार दोनों बैट्समैन ताबड़तोड़ चौके छक्के लगा रहे हैं। देखिए इन 6 ओवर पे 36 गेंदों पर कितने चौके और छक्के आएंगे प्रकाश भाई निश्चित रूप से यह दिलचस्प रहेगा। अभी तो देखिए रन रेट काफी बेहतरीन 11.60 का और शिवा के बारे में बता दें शिवा भी एक वरिष्ठ खिलाड़ी है बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है एग्रेसिव बैट्समैन है और सही साथ यहां पर निभा रहे हैं दोनों ओर से दिल खोल यहां पर पिटाई हो रहा है। सारे गेंदबाज को यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने रिमांड पे ले रखा है। बहुत ही शानदार यहां पे बल्लेबाजी देखने को मिला है। भले यहां पे 2 विकेट शुरुआती दौर में मिला था सुनाबेड़ा टीम को लेकिन अगली मौके पर स्थिति को संभाला ओम और विशाल ने और अभी भी विशाल का टीम के बल्लेबाजी करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। बलांगीर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो और सामना करेंगे 11 ओवर की पहली गेंद का जो कि सुनाबेड़ा एंड से हमारे हार एंड से बोलिंग हो रही है। 53 टा लोग देखो इस टाइम पर इस समय फेसबुक ने धाकड़ बल्लेबाज विशाल ने सब उठाकर खेलना चाहा लेकिन बल्ले पर सही तरीके से मोबाइल ना रहे थे देखा वो यहाँ देखो लारून फुल सजावट को बार चेंज करते हुए प्रकाश भाई किसी भी तरह का जो कंपेयर नहीं आंकना चाहते हैं किसी भी बल्लेबाज को देखते हैं। ये जोड़ी अगर एक दो ओवर और खेल गई तो निश्चित तौर पे जो स्कोर है 200 हो जाएगा। अभी भी सिंगल रोकने की शानदार कोशिश दिख रही है अच्छी कैप्टनसी विकेट टप्पा खाने के बाद यहाँ पे पटकती हुई गेंद का जोरदार प्रहार वाइट खड़े हुए थे लांगन के खिलाड़ी गेंद चली गई इसी से 4 रनों के लिए। आपने देखा था पिंका को पिछली ओवर में भी धुनाई हुई थी फिर से कप्तान ने उनको जवाबदारी दे दी गेंदबाजी के लिए कुछ दूसरा अटैकिंग उनको करना था। बल्लेबाज उनको समझ चुके हैं उनकी गेंद को रिदम को स्तर को समझ चुके हैं। अब इस ओवर में तो विशाल नहीं छोड़ने वाले। जी हाँ यहाँ पे कप्तान का जो भरोसा है पिंका के ऊपर उसको एग्जीक्यूशन करना होगा उस रणनीति को यहाँ पे दिखाना होगा लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव तौर पे विशाल और शिवा प्रहार सीधे आसमानी छक्का तूफानी छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से निकलता हुआ हवाई सफर पर बहुत ही लंबा छक्का था प्रकाश भाई बहुत ही लंबा छक्का था। क्या जबरदस्त जिस तरह से स्वीप शॉट में खेला था रोबिन सिंह जैसे शॉट लगा देते वैसा ही छक्का हमें देखने को मिल रहा है विशाल के बल्ले से। अगर ये बल्लेबाज ऐसा खेलता चला गया तो निश्चित तौर पर ये इसका जो निजी स्कोर है वो 100+ पर जाएगा। इसे अगर दर्शकों को बढ़ता हुआ स्कोर बता दूं 126 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर बॉल बता दें 3 गेंद हो चुका है इस ओवर में और चौपड़ी यहाँ पे बल गए हैं। मैं आयोजक कमेटी की ओर से आग्रह करना चाहूंगा कृपया जल्द से जल्द और यहाँ पे बॉल आता हुआ तो इस ओवर में देखिए बहुत ही जबरदस्त फ्लाई हो रही है। वो पीका जो बात कर रहे थे पीका यहाँ पे समझ से परे हैं कि किसका किस प्रकार उनका रणनीति है। यहाँ पर फिर से उसी दिशा में इस मरतबे और बड़ा छक्का उसी दिशा में जाता हुआ ठाकुर जी क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसी गलती करेंगे उससे कामयाब 38.76 शायद यहाँ पर किनारे लगा था। हो सीसीटीवी कैमरे इतने शॉर्ट फिल्म कैमरे से हम देख रहे हैं एक बड़ा मौका हो सकता था प्रकाश भाई
बड़ा मौका हो सकता था। हैट्रिक छक्के की चक्कर में यहाँ पर विकेट देते देते रह गए, जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज को। मेरे हाथों से आपका 500 रुपए का चश्मा भी चला गया था, मैं माफी चाहूंगा, सुधरवा दूंगा उसको। फिलहाल मैच पर आते हैं, लगातार दो चक्कों के साथ पिच पर जाने हुए हैं विशाल। सुंदर शॉट, इस शॉट से याद दिलाया मुझे महेंद्र सिंह धोनी का वो हेलीकॉप्टर स्टाइल का शॉट यहाँ पे दिखा। अभी तो हेलीकॉप्टर भी निकलेगा क्योंकि बल्लेबाज अभी इतना जो रिदिम उसको मिल चुका है, 77 के स्कोर पर पहुंच चुका है और द्रव्य रन संख्या यहाँ पे 11वां ओवर की परिसमाप्ति के बाद 133 रन, आप इससे पता लगा सकते हैं 13 का यहाँ पे चलता हुआ रन रेट। जी हाँ, आरंभिक मैच और ओवर में हमने देखा था प्रकाश भाई, इसको मैं फिर से बता दूं 133 रन 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 ओवर का खेल शेष है, 30 गेंदें बची हुई है। विशाल अभी क्रीज पर मौजूद, उनका मैं निजी स्कोर में दर्शकों को बता दूं 77 के निजी स्कोर पर अभी क्रीज पर मौजूद, शिवा उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। बात थी दो छक्के लगे थे, अगली गेंद पर गेंदबाजी में वापसी हुई, हल्का सा बैट कनेक्ट था, कीपर ने कैच टपका दिया है, कैच नहीं प्रकाश भाई मैच टपका दिया है। If you will miss the catch, then you will definitely miss the match, जो कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में। फिलहाल जो कि छोटे हाइट और बड़ा फाइट वाला गेंदबाज वापस लौटे हैं, डेप्थ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच और 5 ओवर बाकी, फिलहाल डेप्थ ओवर का आगमन हो चुका है। आशा करते हैं इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट एग्रीगेट टोटल को पार करे बलांगीर की टीम, जो की 151 का आंकड़ा है और औपचारिकता सिर्फ लग रहा है। उनकी इलेक्ट्री की गेंद घूम के प्रहार किए और लंबे में पहले से खिलाड़ी तैनात, उनके द्वारा फील्ड हुआ और सिर्फ एक रन से कोई परेशानी नहीं होगा यहाँ पे, और डर तो लगता है यहाँ पे चौके और छक्के से, और यहाँ पे 12वीं ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ एक रन, और काफी देर के बाद यहाँ पर बल्लेबाजी में शिवा स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, शिवा जानते हैं विशाल लंबे लंबे चौके और छक्के लगाए, ज्यादा उन्हें मौके दे रहे हैं और गेंदबाजी ट्रंप में लाया गया है, खेलना चाहते थे क्योंकि बॉल डॉट थी। सुनाबेदा कप्तान को काफी देर बाद समझ आई होगी कि अरुण को गेंदबाजी में लगाया जाए, यहाँ पर जिनका जो रन है 40 और 50 का जो साझेदारी बढ़ रहा है प्रकाश भाई, उसी बीच में अरुण को लगाना था, ये बड़े गेंदबाज हैं। इस मौके पर यदि एक विकेट मिल जाए तो निश्चित रूप से सोने पे सुहागा कहा जाएगा। लेफ्टिक में फिर से देखिए बार बार ब्लॉक होने में कोशिश किया जा रहा है और उसी प्रकार यहाँ पे फील्ड भी जमाया गया है और उसी दिशा में भी बैट्समैन ढकेल के एक रन प्राप्त किए और यहाँ पे 40 रन का पार्टनरशिप हो चुका है। अभी अभी आए थे शिवा, लेकिन जिस कदर बल्लेबाजी हुआ है काफी कम वक्त में रफ्तार पकड़ता हुआ ये मुकाबला और सनसनी पैदा करता हुआ इस बियर रोटा के ग्राउंड में, दर्शक काफी खुश नजर आते हुए दोनों से बल्लेबाजी में, और 135 रन हो चुका है 12वां ओवर जारी। लेकिन इस ओवर में काफी किफायती एक जकड़ती हुई बोलिंग किया गया है और काफी शानदार तरीके से एक बॉलर माने जाते हैं और अपने जो प्रदर्शन जो उनका मादा है उसके अनुसार यहाँ पर गेंदबाजी होता हुआ। जोरदार प्रहार इनसाइड आउट सा, खिलाड़ी यहाँ पे पहले से ही मौजूद और ये यहाँ पर विकेट मिलता हुआ। शिवा आउट हो गए हैं, हल्के से निराश हो गए हैं, विशाल एक बड़ी साझेदारी, शिवा आउट बड़ी साझेदारी बढ़ने जा रही थी, बिल बॉर्डर का इशारा होता हुआ आउट। इस समय दर्शकों को फिर से बता दूं इस समय रन विकेट को अंतिम गेंद शेष है, इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में बिल बॉर्डर, सिंगजर, चौथा विकेट का यहाँ पर झटका दिया। मैं आपको बता दूं दर्शकों को नरेंद्र नायक FB पेज पर आप जाकर बिल्कुल इस मैच का लाइव मजा ले सकते हैं, गुजरात दिल्ली बॉम्बे से दर्शक लोग इस मैच का मजा ले रहे हैं, हमारे नायक जी को धन्यवाद। ये गेंद इसे विशाल ने खेला है, एम्पायर का इशारा बस बाकी है, हमें दर्शकों की प्रतिक्रिया
एम्पायर का पूरा सहयोग दे। जितने मेंबर्स हैं वो मैदान के चारों तरफ बिल्कुल और बिलीवर के साथ आता हुआ छह रन उनका निजी स्कोर सबसे पहले मैं बता दूं दर्शकों को तेजी के साथ विशाल का निजी स्कोर बढ़ता चला जा रहा है 84 के निजी स्कोर पर इस समय विशाल और टीम का कुल स्कोर मैं बता दूं प्रकाश भाई यहाँ पे पहला शतक अर्जित करेंगे तो निश्चित रूप से विरल रिकॉर्ड का अधिकारी हो जाएंगे। इस टूर्नामेंट में अभी तक हाईएस्ट एग्रीगेट गया है 150 का, तो यहाँ से एक बल्लेबाज सकड़ा जड़ता है तो निश्चित रूप से एक आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और इसके इस ओवर के मिला दिया जाए तो ये 12 ओवर परिसमाप्ति घट चुका है और स्कोर बोर्ड पे रन 142 का, तो 12 ओवर 142 रन और विशाल का हम स्कोर बता देंगे आपको थोड़ी देर में। काफी तेज गति के साथ इस स्कोर को बांध के रखा है विशाल ने, स्कोर बोर्ड को हमेशा चला के रखा है। 12 ओवर की समाप्ति 142 रन, 4 विकेट का पतन, लगभग 12 की औसत, 4 ओवर का खेल शेष है। प्रकाश भाई विशाल अभी भी मौजूद है, एक दो छक्के लगाकर अगर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया उसके बाद तो ऐसी की तैसी है बाबा। जी हाँ जरूर, जिस प्रकार रोहित शर्मा शुरुआती दौर में स्लो खेलते हैं लेकिन ये तो विशाल है, विशाल तो पहले से ही विशाल रूप अख्तियार किए हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है और यहाँ पे जीतू फिर से साथ देने के लिए आए हैं कप्तान खुद, और इस गेम को फिर से देखिए हल्के ढंग से खेलने से शायद यहाँ पे स्ट्राइक एंड में ले आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पहले से जमा हुआ बल्लेबाज है, अच्छा खेल रहा है, यानी कि अपने शतक से थोड़ा सा दूरी पर जो खड़ा हुआ है उस बल्लेबाज को स्ट्राइक एंड में लाने की कोशिश हो रही है और यहाँ पे नाकामयाब। देखा जाए अगली गेम में क्या होता है। गेंदबाज है अभी भी बार बार आप कैच नहीं मैच टप कर रहे हैं, सबसे पहली गलती तो आपने बड़े जो विकेट है विशाल उनका कैच आपने टपका दिया जो लगातार 74 छक्के लगाए हैं और वो शतक की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं उनका शतक पूरा हो गया ना उसके बाद तो ऐसी की तैसी हो जाएगी गेंदबाजों की। जी हाँ जरूर आगे खड़े हुए हैं लेकिन बार बार लगातार भूल हो रही है विकेट कीपर से, इसी बीच देखिए फिर से उसी कोशिश बार बार यहाँ पे वो पंच मारने की कोशिश है कट मारने की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिली है, पहले से फील्ड प्लेसमेंट दिखाई देता हुआ और पंच के खिलाड़ी झटकते हुए ले गए इस गेंद को और कोई रन नहीं बना। वापसी करी है गेंदबाज ने, काफी बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, मेजर ऑडियंस निश्चित लेवल हो, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी आखिरकार यहाँ पे विकेट को कैच लेते हुए विकेट कीपर, बहुत ही शानदार एक यहाँ पे कैच लपके और पांचवां विकेट का पतन, प्लेडन तीसरी बार में सफलता अर्जित की है गेंदबाजी में जिसके बात कर रहा था परिवर्तन, प्लेडन को आज बोल्ड लगा हुआ है, बिलों को लगाया और एक सफलता अर्जित की, फिलहाल रन जो तेज गति के साथ बढ़ रहा था उसपे ब्रेक लगाया, फिलहाल मैं तमाम का स्कोर बता दूं 142 रन, काफी बढ़िया वापसी करी है इस ओवर में इंटरनेशनल एफटीसी है सब बोलते हैं कि इस ओवर में 4 गेंद हो चुका है, प्ले डाउन बोल रही है बल्ला से एक भी रन नहीं निकला, काफी कम बार देखने को मिलता है टी20 इंटरनेशनल में छोटे छक्के अमूमन देखने को मिलता है लेकिन इस मौके पर एक विकेट मिलता हुआ निश्चित रूप से यहां पर आउट हो रहे हैं कप्तान सुनाबेड़ा जी ना, और यहां पे जो 4 ओवर को मिला दिया जाए तो कम से कम तो यहां पे खिलाड़ी हैं बल्लेबाज जो खेल रहे हैं अपने शतक की दूरी पर जो है सिर्फ 16 रन की दूरी पर विशाल, जब तक वो है तो आशा करते हैं कि 4 ओवर में और 50 रन जोड़ेंगे। विज्ञान अच्छे पर ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है जाजपुर ओट्टा माने देखु जों बहुत गुजरात तो ऐसे शॉट्स हमें इस मैच में हमें ये शॉट काफी देर बाद देखने को मिला है प्रकाश भाई, ऐसे शॉट्स ऐसे जब सिंगल लेते हैं आप तो निश्चित तौर पे जो इंटरनेशनल लुक दिखता है बल्लेबाजों का वो इस शॉट्स में देखने को मिला है विज्ञान के बल्ले से। विज्ञान अच्छे ऑलराउंडर है, आते ही गेंद को कलाई के सहारे मोड़े मिड विकेट की दिशा में, बहुत ही सुंदर शॉट अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड का एक बता रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी और कमेंट्री डिमांड कर रही है बहुत ही शानदार कार्पेट के सहारे मारे हाफ बॉडी पे लेते हुए गेंद को, और पहले से यहाँ पे एक सिंगल के साथ परिसमाप्ति घटी, देखिए इस 13वें ओवर में सिर्फ 3 रन बना, 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या 145 5 खिलाड़ी की नुकसान, 13 ओवर पर 145 रन, अब 3 ओवर का खेल शेष है, इस मैच पर आ जाएंगे विशाल
विशाल का मैं निजी स्कोर दर्शकों को बता दूं, 85 रन, 15 रन अपने शतक से दूर, इस टूर्नामेंट का पहला शतक हो जाएगा। 18 गेंदे शेष हैं, 18 गेंदे शेष हैं, बोरमपुर टेबला रोहित जो हॉप का 16 ओवर पूरा होने के लिए और विशाल अपने शतक से 15 रन दूर। प्रकाश भाई, क्या उनका शतक पूरा होगा इस मैच में? हमें सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें देखने लायक है, विशाल का शतक। विशाल का बैटिंग तो जबरदस्त हो रही है, आशा करते हैं कि यहाँ पे इसी मौके पर बहुत ही बढ़िया एक गौरवशाली पल होगा यदि वो शतक पूरा करते हैं तो। और 3 ओवर शेष है, समय की दृष्टिकोण से ध्यान रखना होगा दोनों अंपायर को कि बैट लाइन की संभावना भी हो सकता है। और यहाँ पे आज के दोनों मुख्य अंपायर इस मैच के भुक्तेश्वर नायक और श्रीमान पयोज कश्यप जो कि बिली बाउडन के रूप में जाने जाते हैं सिंगजर की क्रिकेट में, काफी बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है बलांगीर की ओर से। 13वां ओवर संख्या 145, 5 खिलाड़ी यानी कि अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ सुनागड़ा चैलेंजर और बलांगीर के बीच में बैटिंग, यहाँ पर बैटिंग एंड पर सामने है 85 रन का स्कोर। विशाल और आते ही देखिए बेहतरीन लीडिंग एज लगा था, गेंद सीधे चली जाएगी लॉन्ग ऑफ दिशा में और एक रन मिलेगा इसे, एक रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 146। तो यहां से इक्का दुक्का से कोई परेशानी यहां पे नहीं होगा, छक्का चौका यहां पे देखने को मिल सकता है। रणनीति सही करी है जो बल्लेबाज है, साथी खिलाड़ी को आमंत्रित किया, आपका शतक है 15 रन दूर है, आज इस स्ट्राइक पर आइए, सिंगल निकाल कर हमको दिया है। इस विशाल क्रीज पर देखते हैं इस सिंगल्स का वो कितना फायदा उठा पाते हैं, जितनी ज्यादा गेंद विशाल खेलेंगे उतना ज्यादा उनका निजी स्कोर बढ़ेगा, उनके टीम का स्कोर बढ़ेगा। कर सकता है जिस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक जमाने में ड्वेन ब्रावो करते थे, बैकहैंड का इस्तेमाल कर बॉल और जिस प्रकार का स्लोअर वन का इस्तेमाल किया जाता है, कभी वाइड ऑफ द लेंथ गेंदबाजी किया जाता है, उसी प्रकार का कोशिश हो रही है और उनकी ओर से दूसरा जीवन दान मिलता हुआ, साथी खिलाड़ी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, 86 की रिलीज हो जाती है विशाल। दूसरे रन के दौर पड़े हैं लेकिन विशाल ने उन्हें मना किया है, विकेट बचा कर चलना होगा। पिछले 2 ओवर से थोड़ा सा रन रेट में धीमापन देखने को मिला है, जब से यहाँ पे ड्रिंक्स का ट्रॉली मैदान पे गया तब से थोड़ा सा रणनीति में भी बदलाव देखने को मिला सुनाबेड़ा की ओर से, और खास करके गेंदबाजी में अरुण जो काम किए हैं उनका काम, उनको साथी कोई नहीं मिला, नहीं तो निश्चित रूप से जो रन रेट यहाँ पे दिखा स्कोर बोर्ड में और थोड़ा कम देखने को मिल सकता था। परिस्थिति फिलहाल 149 रन, 150 का आंकड़ा और यहाँ पे शायद यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से लिख रहा है कड़वी मामला हो सकता है, अपील हो रही है जबरदस्त और आखिरकार यहाँ पे खारिज करते हुए शायद। और बहुत ही शानदार एम्पायरिंग, क्लोज कॉल हो सकता था यहाँ पे लेकिन अभी भी क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज ज्यादा 50 का आंकड़ा 150 का आंकड़ा
और इस टूर्नामेंट का 151 का सर्वाधिक टोटल है और उस टारगेट को तो यहाँ पे अचीव कर लेगा और ये टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल कहा जा सकता है। और एक बड़ी सफलता शतक से दूर हो गए हैं, शतक से दूर हो गए हैं जी हाँ, एक बड़ी सफलता औरों को मिली है जिसमें गेंदबाज की बात कर रहा था, बार बार प्रयास कर रहे थे विशाल को आउट करते करने के लिए और बिल्कुल उनका अटैकिंग सेम चल रहा था और एक पटकी हुई गेंद थी, काफी लोड रही थी और विशाल आउट हो गए। उनका मैं निजी स्कोर बता दूं 86 के निजी स्कोर पर आउट हो गए, 3 बार उनको जीवन बदल था और टीम का मैं कुल स्कोर बता दूं 150 रन पर 2 ओवर से सर, 2 ओवर का खेल से प्रकाश भाई एक बड़ी सफलता बड़ी मछली जाल में ठाकुर जी यहाँ पे निश्चित रूप से निराश नजर आके आखिरकार पवेलियन जाना पड़ा। 2 जीवनदान भी मिला था, उस जीवनदान को भुना नहीं सके यहाँ पे छुटता हुआ उनका निश्चित जो चेहरे है उसमें थोड़ा सा मलाल दिखाई देता हुआ और 2 ओवर से 12 गेंद से लगभग यहाँ पर 25 से 30 साथ निभाते हैं। बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म खड़े किए थे खुद बल्लेबाजी में विशाल ने और जो उनका एक प्रदर्शन था, योगदान था, उस योगदान को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा फिनिश देने की कोशिश करेंगे ये दोनों बैट्समैन। फिलहाल फील्डिंग का मुआयना कराते हुए थोड़ा सा डीप में फील्डर को तैनात कराते हुए कप्तान सुनाबेड़ा टैक कर लो के टैक किन को बटा मुझे 15वीं ओवर की पहली गेंद लगभग ब्लैक होल में परफेक्ट एयरकर गेंदबाजी और सिर्फ 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को इस 1 रन के साथ। क्लिक 51 पर जा पहुंचा यहां पे दुर्गा दुर्गा से कोई परेशानी मानव जी की ओर से जानकारी मिल रहा है कि ये अभी तक का इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 151 रन जो कि 150 रन खुद जो कि टीम के द्वारा सुनाबेड़ा के द्वारा किया गया था 150 का सर्वाधिक टोटल उसको पार कर गई इस मौके पर बलांगीर टीम और बड़ा चैलेंज हो सकता है धीरे धीरे पहाड़ जैसे लक्ष्य की ओर अग्रसर। पटकती हुई गेंद मारने की कोशिश की है, मिसटाइमिंग की है और भाग रहे हैं 2 खिलाड़ी इसी में और कैच छूटा यहां पे जहां पर 1 रन के साथ जहां पे विकेट मिल सकता था उस मौके पर देखिए यहां पे रन लेते हुए शायद यहां पे देखना पड़ेगा रन तो कंप्लीट किए हैं। हाथ में लगा है बॉल 2 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर श्रीमान नायक जी की ओर से और इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 153 रन। कैच लेने की प्रयास में शॉर्ट मिडिल के खिलाड़ी और खुद बॉलर भागे थे आखिरकार दोनों की यहां पे जो विवाद रहा दोनों का कैच लेने का जो प्रयास रहा उसमें दोनों ही विफल रहे और दलिया रन संख्या थोड़ा सा धीमापन नजर आया है। आप सभी को बता दें ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला और इस क्वार्टर फाइनल मुकाबला में पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 15वां ओवर प्रवेश कर दलिया रन संख्या 6 विकेट खोकर 153 रन। बलांगीर 11 का आखिर में डेथ ओवर में काफी शानदार कमबैक किया गया है सुनाबेड़ा के सारे बॉलरों के द्वारा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, अहमियत रहता है ठाकुर जी कि कम से कम रन के अंदर समेटा जाए। 16 ओवर में 160 तक का स्कोर भी निश्चित रूप से काफी बढ़िया टोटल माना जाता है और T20 प्रारूप के जब से खेल देखने को मिला है कष्टसाध्य तो नहीं कहा जाएगा, चेजेबल टारगेट होगा लेकिन फिर भी क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। और फिलहाल 15वां ओवर की अगली गेंद और जोरदार पकड़ा शॉट, खिलाड़ी भाग रहे हैं लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे एक कप्तान के साथ एक्स्ट्रा कवर और कवर के दरमियान 4 रन के लिए। काफी देर के बाद एक बाउंड्री मिलता हुआ ठाकुर जी इसी प्रकार चौके छक्के की उम्मीद कर रहे हैं सारे दर्शक जितने आए हुए स्पेक्टेटर निश्चित रूप से चौके से काफी मनोरंजन होते हुए 162 और अगली गेंद पर फट जाता हुआ कोई खिलाड़ी नहीं स्क्वायर लेग के ऊपर से और ये फिर से एक चौका काफी शानदार यहां पर खबर मचा दिया है 2 गेंद पर 2 चौके करते हुए
बल्लेबाज ने 166 166 रन पहले से अनुमान लगा रहे थे हमारे जो कि साथी कमेंटेटर नरेंद्र जी और तेजराज ठाकुर जी की 180 तक जा सकता है ये बैटिंग में और वो धीरे धीरे अग्रसर कराते हुए बल्लेबाज विजय कंतनिया से 166 रन छह के नुकसान पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इस मौके पर शायद कैच की संभावना कैच को बढ़िया तरीके से पकड़ते हुए सातवां विकेट का पतन लीडिंग एज लगा था और पहले से इस प्रकार में खिलाड़ी तैनात और उनके हाथों से एक आसान सा कैच और सातवां विकेट का पतन रन के पहले सबसे पहले महोदय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने अतिरिक्त समय दिया है। पिछले जितने मैचेस हुए हैं बिल्कुल इन्होंने समय नहीं दिया था और आज इन्हें कमेटी के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दी गई एपी और व्हाट्सएप के द्वारा कि आप बिल्कुल सारे मैचों का प्रसारण कीजिए। तो आज मैं नरेंद्र नायक जी का बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कमेटी की तरफ से। मेरे साथ जुड़े हैं प्रकाश नायक जी पात्र जी एक सौ पैंसठ रन अंतिम उम्मीद सुनाबेड़ा के ड्राइव खेलने की कोशिश करी थी बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई ऑफ मिड ऑफ पर खेला गया शॉट एक रन दौड़ कर पूरा गया प्रकाश भाई चार गेंद शेष है। चार गेंद में आशा करते हैं कि दो चक्के और दो छक्के जड़े बिल्कुल जितने चौके और छक्के मिलते हैं हमारे दर्शक उतने रोमांचित हो जाते हैं। अब गेंदबाज को चाहिए धैर्य और संयम के साथ गेंदबाजी करें। अंतिम ओवर है जानते हैं तो बड़े बल्लेबाज खेल रहे हैं मैन और मैच अगर वो सही रखेंगे तो निश्चित तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बल्लेबाज को भी आप अपनी लाइन और लेंथ को आप सही रखें। 166 रन और यहाँ पे देखना होगा बल्लेबाज हैट्रिक मारवा 500 रुपया अगर छक्का छक्का हैट्रिक छक्का पर फिर से 500 रुपया पुरस्कार आ चुका है विज्ञान के लिए नारायण सिंह जी नारायण माझी की तरफ से
यहाँ पे बार बार जो नियमित अंतराल में विकेट गिरा है, जब से यहाँ पे विशाल आउट हुए हैं थोड़ा सा रन रेट में कमी नजर आई है, रन संख्या थोड़ी सी कम होती चली गई है 169 फॉर द लेस ऑफ 8 और यहाँ पे सिर्फ दो गेंद शेष बची है। दो गेंदों पर दो छक्का लगाते हैं तो 200 रुपए का पुरस्कार, दो गेंदों पर दो विकेट लेता है गेंदबाज चीहू तो उनको भी 200 रुपए का पुरस्कार श्रीमान नारायण माझी की तरफ से। निश्चित तौर पे जो दान दाते हैं हमारे खिलाड़ियों को ऐसे ही प्रोत्साहन करते रहे जी। बोलते भाई क्यों नहीं छक्का मारने पर 100 रुपए गोटे खेले 101 दो विकेट लेते हैं तो 200 रुपए। शायद पैसा लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। हल्दी से मिसफील्ड हुई है, बल्लेबाज ने दूसरा रन तोड़कर पूरा कर लिया है। आज थोड़े से हड़बड़ाए हैं प्रकाश भाई सुनाबेड़ा के, बड़ा मैच है और उसका प्रेशर थोड़ा यहां पे साफ झलकता हुआ सुनाबेड़ा की सारी आखिरी गेंद और अनाउंसमेंट फिर भी जारी है। विकेट भी गिरेगा तो 100 रुपया और छक्का भी दिखेगा तो 100 रुपया और सबसे रह जाता है नारायण मारी। अंतिम गेंद चीन चले सिंघर से उड़ाकर खेले गेंद कहीं पर गिरे नहीं और एम्पायर का इशारा आउट। गेंदबाज चीलू को 100 रुपए का पुरस्कार मिला है श्रीमान नारायण माझी की तरफ से। और मैं दर्शकों को लिख दिया 171 रन मात्र 5 मिनट के अंदर खेल चालू हो जाएगा। दोनों एम्पायर बंदूक को साथ देंगे। हंस रखो चीलू सोनाबेड़ा इनको 100 रुपए का पुरस्कार नारायण माझी की तरफ से। 171 रन टोटल रन समय 4 बज चुका है। दोनों एम्पायर बंदूक पर बिल्कुल ध्यान देंगे। आप